अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अब सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, और आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके इतने प्यार का, और जितना आप प्यार करते हैं इससे डबल मैं आपसे करती हूँ। तो बहुत शुक्रिया इतना मिस करने के लिए। और अभी व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। व्लॉग बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो चुका है इन दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, शादियाँ हैं, और आपको पता है मैंने घर में छोटा सा पार्लर भी बनाया हुआ है, तो इतना काम होता है घर में, फिर पार्लर का, फिर सेंटर जाओ, वहाँ से वापस आओ, फिर आगे बैठी हुई होती है सब काम करवाने के लिए, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए नहीं बना पा रही। लेकिन अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि बस 3-4 दिन है बाकी शादी में, वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं प्रॉपर व्लॉग अपलोड करूँगी। और ये छोटा सा व्लॉग है, तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ। नाश्ता किया सुबह, तो मैं बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो जल्दी से ये धो लूँ, फिर कोई ना कोई आ जाएगा। और आज के सेंटर से भी बिल्कुल छुट्टी नहीं कर पा रही, वो वहाँ से भी छुट्टी नहीं मिलती। अगर वहाँ से भी छुट्टी हो जाए ना तो फिर भी चलो बंदा बना ही लेता है, लेकिन मुश्किल हो गया है मेरे लिए। लेकिन इतने ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा नहीं आज तो हर हाल में बनाना ही बनाना है मैंने, तो फिर ये थोड़ा बहुत बना रही हूँ। आज भी मेरे कज़न की शादी स्टार्ट हुई है, आज से स्टार्ट है, तो चलो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर ना मैं व्लॉग बना सकूँ। और शादी ख़त्म हो जाए तो फिर तो इंशाल्लाह डेली के व्लॉग्स आएंगे। आप सब कहते हैं ना डेली अपलोड किया करें, तो इंशाल्लाह मैं डेली अपलोड किया करूँगी। और बर्तन जल्दी से धो रही हूँ, क्योंकि जितने देर में मैंने बर्तन धोए थे 4-5 लड़कियाँ आ चुकी हैं काम करवाने के लिए, तो मैंने कहा चलो जी पहले जो काम शुरू किया हुआ है ना ये तो ख़त्म करूँ, उसके बाद ही हम काम स्टार्ट करेंगे पार्लर का। जो बर्तन धो लिए मैंने, इनके बाल करने थे स्ट्रेट, तो ये देखिए इनके बाल इतने ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं जो उन्होंने स्ट्रेट करवाने थे। मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ। अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने ब्लीच की थी, सब ब्लीच का नाम पूछ रहे थे मुझसे, तो वो जो ब्लीच थी वेला की ब्लीच मैंने यूज़ की थी, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने बालों के सेक्शन कर लिए हैं, तो यहाँ ये मैं अभी करूँगी स्ट्रेट, और ये बहुत अच्छे स्ट्रेट होते हैं। कोई भी सीरम यूज़ कर लें आप पहले, जो आपके बालों को हीट से बचा सके वो वाला। मैंने यहाँ पे हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ किया है बालों पे, तो आपके पास जो भी हो अवेलेबल हो अच्छा सा, लेवॉन वो बहुत अच्छा है, वो ले लीजिएगा आप, क्योंकि इसीलिए हर जगह से वो मिल जाता है। लेवॉन हेयर सीरम बहुत अच्छा होता है वो भी, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह से मैं बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। पूरी वीडियो तो हेयर में नहीं बना सकी थी, और ये मैंने अपने छोटे भांजे से कहा कि तो वीडियो बनाओ, तो पता नहीं कुछ अजीब सी बना रहा था। ये मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ रेगमेंटन का, मुझे पता है फिर बाद में सब पूछेंगे कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ किया, तो ये बहुत अच्छा है, स्ट्रेटनर कर भी हो जाते हैं इससे अच्छे से। और वो काम ख़त्म किया फिर मैं स्कूल आ गई, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स ने बुलाया था, इन्होंने फेशियल करवाना था। घर में या भाग भाग के स्कूल आई हूँ, अभी यहाँ से फिर वापस घर जाऊँगी, घर में फिर और काम होगा, तो इसी तरह भाग दौड़ में ना दिन का पता ही नहीं चलता, और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती, दिन ख़त्म हो जाता है, स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता इतना काम होता है आजकल। अभी मैं घर में आई हूँ, थोड़ा सा मैंने कहा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा बैठी हूँ, और ये मेरा छोटा बच्चा खेल रहा है, ये इसने छोटा सा कपड़ा ना हर वक्त इसके हाथ में होता है, चीज़ें साफ़ करता रहता है। तो खैर अच्छा, मैंने आप लोगों से कहना था कि प्लीज़ इतने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती डेली के, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, तो आप लोग नाराज़ मत हुआ करें, मैं फ्री हो जाऊँ ना मैं सबसे बात करूँगी, ठीक है। और ये नेल्स को लेके मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे आप काटते हैं, ये करते हैं, वो कर दें, शादी है तो मुझे काट दूँगी, ठीक है, शादी तक तो रहने देना आप, इतनी मुश्किल से बड़े किए हैं, तो उसके बाद ना मैं कर लूँगी, काट दूँगी, ठीक है, आप लोगों की खुशी के लिए। तो बस फिर अभी घर वापस आई हूँ, खाना खाऊंगी और उसके बाद ही ना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, फिर इतना काम था, इतना काम मैंने वो किया, उसके बाद मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। तो ये छोटा सा व्लॉग था, बस मैंने आपको ये बताना था कि इन दिनों में काफ़ी बिजी हूँ, तो आप लोग परेशान मत हो, मैं इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड करूँगी। ये मम्मी ने ना दाल बनाई थी, उसमें चूरी बनाई थी, चूरी वाली दाल हम इसे कहते हैं, तो ये बनाई थी इसमें चूरी बना के ना, तो वो खा रहे हैं, रात का खाना मैं खा रही हूँ यहाँ पे, तो बस इसी तरह दिन गुजर जाता है। और इंशाल्लाह कोशिश 3-4 दिनों बाद नेक्स्ट वीक से ना मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है।
जो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट लाजमी कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ नाराज़ नहीं होना कि आपने हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया, आपने हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। सबको रिप्लाई करूँगी, थोड़ा सा फ्री होने देना, सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी, ठीक है, सबसे बात करूँगी। तो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।